आप सब आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर UGC NET होम प्रिपरेशन। मैं दीपिका शर्मा आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपना नया वीडियो लेकर के आई हूँ। तो हमने अपने पिछले वीडियो में मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था कि मूल्यांकन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो मूल्यांकन के टाइप्स के बारे में आज मैं आप लोग को एक बार फिर से रिविजन करा दूंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन में हम मूल्यांकन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो मूल्यांकन के प्रकार में जो मैंने आपको इन लोगों के टाइप्स बताए थे उसमें मैंने पहला आप लोगों को बताया था मौखिक परीक्षा। फर्स्ट था हमारा मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा को हम ओरल टेस्ट कहते हैं। अब मौखिक परीक्षा में क्या होता है, मौखिक परीक्षा में टीचर जो है वो बच्चों से ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे भी उसका ओरल में ही जवाब देते हैं। टीचर क्लासरूम जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और बच्चों से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट अप करता है। तो ये ओरल क्वेश्चन के जवाब देने के लिए कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास में सतर्क बैठते हैं और ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ओरल टेस्ट से डरते हैं। तो इसीलिए ये ओरल टेस्ट रखा जाता है ताकि बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीचर्स ढूंढ सके कि आखिर बच्चों को उनका पढ़ाया हुआ टॉपिक जो है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब सेकेंड है हमारा निबंधात्मक परीक्षा। सेकेंड है हमारा निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा का मतलब हो गया एसे टाइप टेस्ट। टीचर बच्चों को क्लास में एक टॉपिक दे देता है, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को पैराग्राफ में उस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे जो भी बच्चों को उस टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली होती है या उनको जो भी जानकारी होती है बच्चे उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये हमारा कहलाता है निबंधात्मक परीक्षा। अब हम थर्ड आते हैं, तो थर्ड है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है ये परीक्षाएं मूल्यांकन की नवीनतम विधियों में से एक है। ये परीक्षाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, पहली है हमारी प्रमाणित परीक्षाएं और दूसरी है हमारी अप्रमाणित परीक्षाएं। तो हम देखेंगे कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, आप देख रहे हैं अब जो भी हमारे एजुकेशन के फील्ड में जो जो नए चेंजेस आ रहे हैं उनको देखते हुए अब इन नई विधियों का यूज किया जा रहा है एग्जाम के लिए, ताकि जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो जो हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, पहला है प्रमाणित परीक्षाएं और दूसरा है अप्रमाणित परीक्षाएं। तो पहले हम बात करेंगे प्रमाणित परीक्षाओं के बारे में। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है उसके दो पार्ट हैं। पहला है हमारा प्रमाणित परीक्षाएं और दूसरा है अप्रमाणित परीक्षाएं। अब हम बात करते हैं प्रमाणित परीक्षाओं की। तो प्रमाणित परीक्षाएं वे परीक्षाएं होती हैं जो जिन परीक्षाओं के क्वेश्चन जो होते हैं वो विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं तथा उनके अंक लगाने के लिए एक
किया जाता है, क्योंकि जब विशेषज्ञ की नॉलेज में वो क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका आंसर भी होता है। अब सेकंड है हमारा अप्रमाणित परीक्षाएं। तो अप्रमाणित परीक्षाएं जो होती हैं आपकी, ये नए ढंग की औपचारिक परीक्षाएं होती हैं जिनका निर्माण जो है वो अध्यापक स्वयं करता है। जो अप्रमाणित परीक्षाएं हैं ये आपकी क्लास में होने वाली परीक्षाएं होती हैं और ये टीचर की नॉलेज में आपके क्लास में ये अप्रमाणित परीक्षाएं जो है वो होती हैं। तो अब हम अप्रमाणित परीक्षाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, तो अप्रमाणित परीक्षाओं के भी दो पार्ट होते हैं। पहला है आपका अधिन्यासों द्वारा परीक्षण यानी असिस्मेंट थ्रू टेस्ट, और सेकंड है आपका संचित अभिलेख परीक्षाएं यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेस्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अधिन्यासों द्वारा परीक्षण। अब जो आपका अप्रमाणित परीक्षाएं हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा परीक्षण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिन्यासों द्वारा परीक्षण। तो जो अधिन्यासों द्वारा परीक्षण होता है ये आपका होता है असिस्मेंट थ्रू टेस्ट। असिस्मेंट से आप समझ ही गए होंगे कि टीचर क्लास में बच्चों को एक टॉपिक देता है, उस टॉपिक के ऊपर बच्चों को अपने नोट्स तैयार करने होते हैं, एक फाइल तैयार करनी होती है जिसके द्वारा टीचर जो है वो बच्चों को असिस्मेंट करता है कि आखिर बच्चे ने जो प्रोजेक्ट दिया है टीचर ने बनाने को, जो असिस्मेंट दिया है, असिस्मेंट का कार्य वो बच्चों ने कैसा किया है, और बच्चों की कार्य विधि के अनुसार ही टीचर जो है वो उनको नंबर देता है। अब सेकंड है हमारा संचित अभिलेख परीक्षाएं यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेस्ट। तो जो संचित अभिलेख परीक्षाएं हैं ये भी टीचर के द्वारा ही कराई जाती हैं। इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट की योग्यता और कुशलता की जांच करते हुए उसके एनुअल एग्जाम के द्वारा ही काफी नहीं होता है, वो ये ध्यान देता है कि बच्चा जो है वो क्लास में कराए गए कार्य को किस तरीके से कर रहा है, वो क्लास में प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसका आधार स्टूडेंट की द्वारा स्टूडेंट के द्वारा किए गए उसके पूरे साल यानी उसके पूरे वन ईयर जो उसका क्लास चल रहा है उस पूरे साल के किए गए कार्य पर निर्भर करता है। अब बच्चा चाहे वो दिन के हिसाब से हो, चाहे छात्र जो है वो सब वीक के अकॉर्डिंग हो या मंथ के अकॉर्डिंग हो, उसमें बच्चों का क्या क्या रिकॉर्ड रखा जाता है ये टीचर ध्यान देता है कि किस तरीके से वो बच्चों का रिकॉर्ड रखेगा कि बच्चे ने एक दिन में क्या कार्य किया है या महीने में क्या कार्य किया है या उसने वीकली क्या वर्क किया है, तो इन सारी चीज़ों का टीचर जो है वो एक रिकॉर्ड बना के रखता है। जो टीचर ने बच्चों को कार्य दिया है वो बच्चा किस किस तरीके से कितने टाइम में पूरा कर रहा है, तो उसके लिए जो आपका संचित अभिलेख परीक्षाएँ होती हैं इसमें खाली टीचर एनुअल एग्ज़ाम जो होता है बच्चों का लास्ट में उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। टीचर जो है वो पूरा अच्छे तरीके से देखता है कि बच्चे ने
पूरे साल में या पूरे जो भी एक महीने का रिकॉर्ड है, चाहे एक दिन का रिकॉर्ड है, चाहे पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड है, बच्चे ने किस तरीके से कार्य किया है। तो आज मैंने आप लोगों को मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में बताया। मौखिक परीक्षा होती है, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, और उसमें उसके दो टाइप्स बताए, अप्रमाणित और प्रमाणित परीक्षाएं। अप्रमाणित परीक्षाओं के मैंने आपके दो टाइप्स बताए, एक तो अधिन्यासों द्वारा परीक्षण असेसमेंट थ्रू टेस्ट, और सेकंड था आपका संचित अभिलेख परीक्षाएं यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेस्ट। अब मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों का मूल्यांकन है उसके लाभ, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी नीड्स क्या क्या है, कि आखिर मूल्यांकन की प्रोसेस टीचर क्यों टीचिंग प्रोसेस में यूज करता है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग के मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक मेरे वीडियो पहुँच सके।